नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे एक वीडियो में स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आया हूँ एक वीडियो को लेकर के, जो कि अभी जो बात हम लोग करते हैं हर समय हर वक्त बेजुबान के लिए, कि बेजुबान के लिए एक ऐसा घर हो, एक ऐसा रेस्क्यू सेंटर हो जहाँ पर कहीं भी अगर बेजुबान की एक्सीडेंट होती है, बेजुबान दुर्घटना अगर पाया जाता है, चाहे वो कोई बेजुबान हो, कुत्ता हो, डॉग हो, कुत्ता हो या फिर गाय हो या फिर गौवंश हो या फिर कोई दुर्घटना से बंदर पाया जाए, उल्लू पाया जाए, अगर इस तरह का कहीं भी दिखता है तो लोग हमें कॉल करते हैं। जैसे कि मैंने आज से पहले एक महीने पहले मैंने इस चीज़ को अपडेट किया था कि मैं सेंटर खोलने वाला हूँ, तो सेंटर खोलने के बाद से जो अफवाह थी वो बहुत सारी उड़ गई कि अब भी सेंटर खुलने वाला, हर जगह लोग फ़ोन निकाल रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा लगता है लोग जब फ़ोन करते हैं, जब बात पैसे की आती है, बात डोनेशन की आती है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। तो आज मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ अपने मोबाइल पर, कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं देख करके खुद चौंक गया था। देख सकते हैं ये फोटो जो कि न्यूज़ का फोटो है, ये लिखा हुआ है शोरूम में मालिक गद्दी पर गए रोज घंटे बैठकर लेट जाता है। ये छत्तीसगढ़ की ये वीडियो फोटो है जो कि आज मैंने देखा एक पेपर न्यूज़ में, काफी अच्छा लगा। और ऐसे लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि गौ माता का आज भी बहुत से लोग सेवा करते हैं और बहुत से लोग गाय को पूजा करते हैं। अगर उनके घर के पास गाय आ जाती है तो उन्हें रोटी खिलाते हैं, जिनके पास बासी रोटी होता है, बचा रोटी, रात की रोटी, वो रोटी खिलाते हैं, और जो बहुत समझदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोटी बना खिलाते हैं गाय को रोक करके। अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज यहाँ पर कब होगी, जहां पर मैं रहता हूं, जहां पर मैं सोच रहा हूं कुछ आगे करने के लिए इस भूली में। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस क्रम को काम करते करते मैंने जो एक काम स्टार्ट किया था जब मैंने, तो उससे मेरी एज कम से कम 13-14 साल उम्र थी, मेरी एज 13। आज मेरी उम्र मेरी 29 के लगभग हो चुकी है, यानी 15 साल से आज एक काम में लगा हूं। मैं जब काम में लगा था तो 15 साल था, और अब जो है ये काम मेरी वाइफ भी संभालती है, और स्नेक रेस्क्यू का टीम का संचालक भी मेरी वाइफ है। और अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ इस लाइन में मेरा साथ देती है, अच्छा लगता है और काफी बढ़िया लगता है मुझे ये जान करके कि आपसे बहुत से लोगों का सपोर्ट है, साथ है, अच्छा लगता है। और दिखाता हूं मैं, ये बाहर का था छत्तीसगढ़, धनबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राणा घोष, जो हमारे पीपल फॉर एनिमल्स के जो श्रीमती मेनका गांधी के प्रेसिडेंट अभी हैं और पीएफए से काम करते हैं, काफी बेस्ट काम करते हैं, और वो ना तो आज तक के डोनेशन लिए हैं और ना आगे उन्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो पूरी मन तन से भाव से काम करते हैं। वो मेरे जो सर हैं, और अभिषेक सर जो हैं कोलकाता में रहते हैं सुंदरबन में, वो भी अपना काम चल रहा, अभी ऑपरेशन काम करते हैं, दिल्ली वाइल्ड लाइफ के अंदर काम करते हैं। मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसा वीडियो आज देख सकते हैं। ये वीडियो कहीं और का नहीं है, ये हमारे भूली धनबाद, बहुत बड़े भूली श्रमिक नगर की वीडियो है, बहुत बड़ी श्रमिक नगर की। और जिस जगह पर आप देख रहे थे ये वीडियो को, ये वीडियो जहां मैंने लिए खड़ा करके, मेरी भी तो तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है, लेकिन मैंने बताया किस तरह निकालना है, कैसे निकालना है, मैंने बताया उन्हें, क्योंकि बहुत सारे गाय निकाल चुका हूं मैं, राणा साहब के साथ काम करते करते मुझे भी काफी नॉलेज आ चुका है कैसे गाय निकाला जाता है। अच्छा लगता है मुझे इस चीज करने में। और जिस जगह पर ये गाय लोग निकाल रहे हैं, सेफ्टी टैंकी यानी लैटरिन का टंकी, सेफ्टी टैंकी बहुत ही खराब होता है, बहुत ही खराब। अगर उसमें एक व्यक्ति अगर मैं ही घुस जाता हूं उसमें निकालने के लिए, तभी ठीक है मेरा, तो बगल लोग क्या होता है, गू छू रहा है, लैटरिन छू रहा है, ऐसे छू रहा है। बहुत से लोग की मन की सोच जो गंदी सोच है, वहां पर जो निकाल रहे हैं वो एक पिता है, दो भाई हैं, तीनों मिलकर निकाल रहे हैं, चौथा आदमी कोई आपको वहां पर नहीं दिखेगा। हाँ, उसके सामने जो था वहां पर, मैं तस्वीर नहीं ली, वीडियो नहीं मैंने वहां पर, उसके सामने था लगभग 20-25 आदमी वहां पर थे, लेकिन एक भी आदमी सटने नहीं गया। यही लोग बोलते हैं गौ माता की मैं सेवा करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। एक जन ने मुझे क्या बताया कि आपकी गाड़ी में लिखा हुआ गौ माता की सेवा करते हैं आप, समाज सेवा करते हैं आप, सांप पकड़ते हैं जाके बचाइए। बोला मैं अभी उस
मैं अभी ठीक नहीं हूँ, तबीयत मेरा अभी खराब है, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से आप कीजिए, निकलेगा। मैंने उन्हें दिया सलाह, दिया कैसे करना कैसे करना। फिर वहां पर काम चल रहा है और निकल जाएगा वहां पर। तो आप सभी लोग के जो सपोर्ट था, जो दुआ था, और मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी कम से कम इस एक महीना में पूरे 1,01,00,000 आबादी में, आप समझ सकते हैं कि 1 करोड़ आबादी में अभी तक डोनेशन पता कितना आया है, 1,340 रुपया। कितनी शर्म की बात है, गाय के नाम पे, डॉग के नाम पे। भूली शर्मिक नगर में बहुत बड़ा रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए मैं सोच रहा हूं, और मैंने सोच भी लिया है। जो लोग डोनेशन दे रहे हैं वो लोग पागल हैं क्या? जो लोग सोचते हैं कि गाय जो रोड पे मरती है, बिलक के एक्सीडेंट में मरती है, ये क्या अच्छा होता है? रेस्क्यू सेंटर था, हमारे 5 जन रहे, लड़के लोग रहेंगे, एक मेरी वाइफ भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, 5 लड़के लोग रहेंगे, 5 टीम रहेगा यहाँ पर। भूली डेवलप करेगा, उसके लिए नहीं है। डोनेशन अगर किसी चीज मांग लिया जाए तो पूरे भूली की जनता जो है मिल जाएगी। किस चीज में? फ्रॉड काम में। किसी को बीमारी हो गया है, वो अगर पैसा मांगता है कुछ दिखा करके, उसे पैसा, भरपूर पैसा मिल जाता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1,00,000 रुपए मिल जाता है। लेकिन यहां पर गाय के नाम पे, कुत्ता के नाम पे, बंदर के नाम पे, बेजुबान जीव को बचाने के नाम पर किसी के पास 50-100 रुपए नहीं है। ये हमारी भूली। और भूली के जो लोग मुझे बोलते रहे कि तुम्हारे गाय के, तुम्हारे गाड़ी के पीछे रखा गौ माता सेवा लिखा हुआ है, तुम जाकर बचाओ वहां पर। मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि आपके घर के बगल में है, आपने ये सोचा नहीं कि जेसीबी लाकर तुम मंगवा दे, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे मत देखिए, मैं यहां पर नहीं काम कर पाता हूं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग जो है सारे में नेतागिरी घुसे हुए हैं, सारे लोग। तो क्या काम करोगे आप? गाय निकाल भी रहे हो ना, उसके लिए पैसा लगेगा। यहाँ पर पैसा लगेगा, पैसा कि मेरा नली में लगाया, नली टूट गया मेरा, लाइटें टूट गया, उसके तुम पैसा दो। ये है भूली। धनबाद की जनता को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी एक अंशु भैया है, आयुष भैया, आयुष शिवाली, वो काफी, मैं देखता हूँ वीडियो, फोटो देखता हूँ हर समय, वो जहां पर गाय फंसती है, बैल फंसता है, वो निकालने में काफी मदद करते हैं और अच्छा काम भी करते हैं। पर भूली में एक भी लड़का, मैं लिख के देता हूँ, एक भी लड़का ऐसा बताइए जो मुझे आकर के पर्सनली बोला है कि तुम जो काम कर रहे हो तो अपने काम स्टार्ट करो, यहाँ पर पाइप गिराओ, यहाँ पर कर्म गिराओ और छाओ उसको, और गाय की सेवा तुम लगातार करते रहो यहाँ पर। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। यहाँ पर सबके पास पैसा है, सबके पास पैसा है, किस लिए? नेतागिरी करने के लिए। अभी जब नेतागिरी अभी आएगा, इलेक्शन अभी आएगा, तो सारे नेता इकट्ठा हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, घूमेंगे। जिनके पास पैसा है वो आगे बढ़ जा रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैंने आज इतना वीडियो बनाया यूट्यूब पर डाला, कुछ हमसे नहीं हो पाया, मैंने आज सक्सेसफुल नहीं कमा पाया। जो यूट्यूबर हैं, आज जो यूट्यूबर हैं धनबाद के, बहुत बड़े यूट्यूबर लोग हैं, मनोज देता यूट्यूबर, यहाँ पर धनबाद को लिखा आया था कि धनबाद के सबसे बड़े अमीर आदमी यूट्यूबर किसका नाम है, तो मनोज दे। क्या मनोज दे को आपने देखा आज तक गाय का सेवा करते हुए? कोई देखा नहीं है। बहुत से नाम होता है मनोज दे का। धनबाद में यूट्यूबर का सबसे पहला नाम किसका है? पेपर नाम आता है, टीवी में नाम आता है, कहा नहीं कुछ कर दे रहा है। धनबाद इतना गाय मरता है, इतना कुत्ता मरता है, क्या सेवा कर देता है। अब देख रहे दिल्ली में देख रहे हैं कि कुत्ता को जो तार फंसा होता है, मूली फंसा रहे हैं तार, कुत्ता को एकदम बेरामी से घिस के डाल रहे गाड़ी में, उसको दर्द नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रहा। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बेजुबान को इंसानों के रूप में नहीं देखते हैं, सोचते वो जानवर है, छोड़ उसे, मरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ता घर के सामने आ गया, कुत्ता को मार रहे हैं घंटा से, लाठी से। सांप, रही बात सांप की, बात करते हैं, सांप किसी घर में घुस जाता है तो ये नहीं बोलता आदमी कि हम जो बना रहे हैं, पता पेड़ जो कट रहा है, जंगल जो कट रहा है, सांप कैसे आएगा, उसके लिए किसी फिक्र नहीं है। सांप हमारे घर से घुस कैसे गया, काट कैसे लिया, हम सांप सांप को काट देंगे। मैंने कई लोग को सुना है ऐसा, भूली में, धनबाद में कई लोगों को मैंने सुना है कि सांप घुसे घर में, मार दो लाठी से, मार दो लाठी से, मार दो। अरे आप इतना जंगल कट रहे, इतना पेड़ कट रहा है, आप लोग उसमें नहीं रोक लगा सकते हैं। आप जहां घर बना रहे हैं पेड़ काट के, जंगल काट के बना रहे हैं, वो पहले सांप का घर था। सांप के घर में, सांप हम लोग घर में नहीं आ रहा है, हम लोग सांप के घर में घर बना रहे हैं वहां पर आने के लिए, इसलिए सांप प्रवेश करता है। मेरा आप सभी लोगों से एक नर्म निवेदन है, एक अपील है, भूली के इतने बड़े नामी
पुरी बहुत बड़ा सर्वे नगर है और मैं चाहता हूँ कि मैं 15 सालों में क्या कर पाया जब मैंने एक रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए छोटी सी मांग की। ना तो कोई यहाँ पर नेता आया, ना तो कोई यहाँ सामाजिक कार्य का लड़का आया, ना तो कोई जो भी कितने लोग यहाँ खोल एनजीओ खोले, ये एनजीओ खोले, वो एनजीओ खोले, मुझसे आज तक कोई मिलने नहीं आया। सबको धन मिल रहा है, सब पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने सब लगे हैं, पर बेजुबान का चिंता किसी को नहीं है। मेरी आप सभी से अपील है कि जो मेरे ये वीडियो देखते हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे काम को नेक काम समझते हैं, आप सभी लोग बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर, ये बहुत बड़ा सेंटर खुलेगा पूरे धनबाद जिला में। आप सोच सकते नहीं है, ये अगर एक सेंटर खुल जाता है पूरे धनबाद जिले में, इतना सेंटर खुल जाएगा, नहीं इतना सेंटर खुल जाएगा कि आप लोगों को जाते हो ना कहीं से गन मारता है, गाय मर गया है, अरे बाईपास में भैंस मर गया, उठाने को नहीं है, पूरा गन मारता है, पूरा गन मारता है, उसको उठाना नहीं है। यही चीज मैं करने वाला हूँ। अगर दुर्घटना स्थल पर गाय अगर मर जाती है तो उसे कहीं गाड़ा जाता है, फेंका जाता नहीं है, उसके गन से बीमारी होता है। तो आप सभी लोग इस चीज को समझें और बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर में आप सभी लोग अपना योगदान दें, सहयोग दें अपना, तभी जाकर सेंटर खुलेगा। मैं कोई कार्टून नहीं हूं कि मैं वीडियो में हर वक्त आऊंगा आपको बोलूंगा, या फिर मैं वो डॉगी नहीं हूं जो भुगता रहो आपको। समय ऐसा भी आएगा जब मेरे पास लोग आएंगे, लेकिन मुझे बहुत से लोग पत्रकार लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और आज करते आ रहे हैं, करते थे और करते आएंगे भी, मुझे पता है। और उन्हें बताया कि जो तुम काम में लगे हुए हैं, रुकावट तुम्हें बहुत सारी आएगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, ये तुम्हारा काम सबसे अलग काम है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है इस चीज में। मैंने उनको बताया कि मैं ये जो काम शुरू कर चुका हूँ, जुबान से दे दूंगा, बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर खोलूंगा। मुझे वो लोग बताएं कि तुम इस काम में लगे रहो, लोग इंसान जनता जागेगी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों नहीं, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर क्यों लग जाए, पर तुम जब लगे रहोगे सेवा में तो ही आपको लोग जानेंगे कि आप सेवा कर रहे हो। पर आपको दिखाना होगा, पर दिखाने के लिए क्या, भूली की जनता जो है अगर वो सपोर्ट करेगी तो मैं दिखा पाऊंगा। अरे मान लीजिए, मैंने वो जो बाउंड्री कैंपस जो घेरा है बेजवान सेवा रेस्क्यू सेंटर के लिए, जो मैंने कैंपस जो घेरा है ईटा से, वो मैंने खुद से खर्चे पे खर्चा किया, पूरे 26,000 खर्चा करके मैंने उस कैंपस को घेरा है, ताकि मैं कोई भी, मैंने सोचा था 5 साल पहले एक काम करने के लिए, लेकिन मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। 1380 रुपया हमारे पास अभी आया है, जिसका 1500 का गेट आएगा। सबसे पहले मैं गेट लगाऊंगा वहां पर, सबसे पहले गेट लगाऊंगा, अभी कल से परसों तक मेरे गेट लगने वाला, वहां पर गेट लग जाएगा। परसों के बाद आप सभी लोग जरूर हो जाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि लोग अपने आप इस बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर में सदस्य बने, एक परिवार बने। हम भूली की जनता में इतना दम है कि बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर खोल के हम लोग हर गाय, हर कुत्ते, हर बिल्ली, हर बंदर, अगर दसर पाया जाता है, उल्लू पाया जाता है, तो सबकी सेवा कर सकते हैं। गौ हमारी माता है, हम जब हमारी नींद खुलती है सुबह उठ करके, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, जाएंगे गाय का दूध लेकर आएंगे, घर से निकलते हैं केन लेकर के, कि हम जाएंगे गाय का दूध लेकर आएंगे तो घर में आकर चाय पियेंगे। हमारा छोटा बच्चा है, गाय का दूध ही पिएगा तो बढ़ेगा, तो क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर गाय रोड़ा सर मरती है तो कितना हमें खराब रहेगा। गाय हमारी माता है, गौवंश हमारे पिता है, हमें सबकी रक्षा करना पड़ेगी, हम सबको एक होना पड़ेगा, तो जाकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। बेजुबान सेवा रेस्क्यू सेंटर, आप, मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए तो ही लोग जागरूक होंगे। मेरा एक ही सपना है, मैंने 15 साल यहाँ पर, मैंने अभी भी, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं फिल्म सेवा करता हूँ लोगों की भूली में, बहुत से लोगों का 95% में ऐसे भूली के लोग बताए जो मुझे बोल देंगे पैसा मांगता हूँ मैं सांप पकड़ने का। भूली में एक आदमी उसे बोल देंगे 95% कि उसे पैसा मांगता हूँ। 5% लोग ऐसे भी लोग हैं जो मुझे पैसे खुश देते हैं, के लिए पैसा मैं बोलने जाता हूँ, मेरे तेल जलता है, मेरा गाड़ी का EMI कटता है, गाड़ी का मोबिल है, सर्विसिंग सब कुछ मैं खुद समझता हूँ। आप सभी लोग जागरूक होइए, ये मेरा सपना है, मैं 15 साल से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हैं। आज से पहले भूली में कोई भी सर्प मित्र नहीं था, स्नेक सेवन था। आज से 5 साल पहले ऐसा कोई दिखाया जो सर्प मित्र था यहाँ पर इस भूली में। अगर एक आदमी बोल दे जो बोले सो में, इस 15 साल में मैंने कितना कमाया है मुझे ये देखना है, सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए। आज जितने भी जो भूली घूमे चेला घूमते हैं, जो भी है अतु पतु जो भी आज है, मेरी वाइफ भी यहाँ पर चेला है। आज मेरी वाइफ भी इस काम में 3 साल से है, आज मैं 15 साल से हूँ। बहुत फर्क है, जमीन आसमान फर्क है, बहुत फर्क है 15 साल में और 3 साल में और 1 साल में।
कुछ लोग 6 महीना 1 साल मेरे साथ रहा कर सोचते कि मैं बड़ा स्नैक सेवर बन चुका हूँ। सांप काट लिया तो लोगों को दिखाते हैं सांप काट लिया, अरे मैंने जो सांप पकड़ा है, जितना मैंने सांप पकड़ा है तुम धनबाद उतना समय बिता नहीं पाएगा। जब तुम्हारा जन्म नहीं लिया हुआ ना, तुम जब 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 तुम जन्म नहीं लिया हुआ धरती पर ना, तब से मैं सांप पकड़ रहा हूँ। मैं बताता नहीं, वादा करता हूँ मैं कि ऐसा आज तक कोई ऐसा लड़का है जो मेरे सामने खड़ा बोल दे कि मैं आपसे बड़ा सर्प मित्र हूँ, कोई नहीं बोल पाएगा। इंसान को कहा था कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। मैं इस क्रम में 15 साल से हूँ और मुझे हाँ मुझे फक्र है, मुझे उम्मीद अपने आप पर मैं रहता हूँ कि मुझे स्नैक बाइट नहीं होगा। अगर मुझे स्नैक बाइट मुझे हो जाता है तो मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ। अगर जो मैं गलती करूंगा वो मेरी गलती मेरी वाइफ करेगी, उसको देख के और लोग करेंगे कि तो साइंस आप पकड़ लेता नहीं, स्टिक का टॉन का कैचर का जूता का ग्लव्स का सबका इस्तेमाल करके मैं सारा काम करता हूँ, सेफ्टी के साथ काम करता हूँ, सुरक्षित तरीके से मैं काम करता हूँ ताकि लोग जागरूक हैं, सांपों को मारे नहीं, सांपों से बचें। अगर मैं सांप से बचता हूँ तो ही तो लोग सांप से बच पाएंगे। सबका जीवन है, मैं भी किसी का बेटा हूँ, मैं भी किसी का पति, मैं भी किसी का पिता हूँ, ऐसा कुछ है। तो प्लीज आप सभी लोग अपील करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और आज बेजबान सेवा रेस्क्यू सेंटर में अपना योगदान दें। योगदान देने के लिए आप फोन नंबर डायल कर सकते हैं 7033002117। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ फोन पे नंबर को, फोन पे गूगल पे अपना योगदान राशि देने के लिए बेजबान सेवा रेस्क्यू सेंटर खोलने के लिए, ये रहा फोन पे नंबर 7033002117। इसमें नाम आएगा लक्ष्मी कुमारी, बी ब्लॉक गुली हाई स्कूल के पास हार्डवेयर दुकान के बगल में मेरा एक छोटा सा जमीन मैंने रखा है बाउंड्री कैंपस घेर के, उसे बेजीवान सेवा स्कूल खोलने के लिए। दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।